إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. हसबावी यास्त अलहदिल्ला आज चार आज दो हज़ार इक्कीस की कुरान क्लास नंबर एटी थ्री की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है आज इनशा ताली हम नसा की आयत नंबर 116 से स्टार्ट लेंगे और ये क़ुरान की मशहूर तरीन आयात में से एक आयत है और ये आयत मुबारक आलरेडी सूरत में 48 नंबर पे भी गुजर चुकी है थोड़े से फ़र्क के साथ आऊदबिल्ल मिनशन बसमिल्लर रहीम इन यगफरुआ युश कभी बेशक अल्लाह ताला इस गुनाह को कभी भी मुआफ नहीं करेगा और एम्प्लॉड है क्यामत के दिन दुनिया में तो फुरकान में आया कि अगर कोई शिरक से तोबा कर ले हम उसके गुनाहों को भी नेकियों से बदल देंगे फुरकान आयत नंबर सेवनटी ये आखिरत की बात है कि आखिरत में कोई इस हाल में पहुंच गया कि उसने दुनिया में शिर किया था शिरके जली किया था तो बेशक अल्लाह इसको कभी मुआफ नहीं करेगा कि कोई शख्स अल्लाह के हजूर शिर के साथ पेश हुआ व यफिर मादू नजालिका लिमैया शाह और इसके अलावा जितने भी गुनाह हैं इसके सिवा मुआफ़ कर देगा लेकिन जिसके लिए चाहेगा लिमैया शाह ये कैद लगा दी है यानी इसमें यह इशारा है कि शिरक के अलावा भी किसी गुनाह के ऊपर पकड़ हो सकती है कैटागोरिकली इजाजत नहीं है कि वो अल्लाह उसकी गारंटी दे दे इसको हदीस है सोना नबी दाऊद के अंदर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु सल्ल वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला या तो शिरक को मुआफ़ नहीं करेगा या फिर कत्ल ना हक़ को मुआफ़ नहीं करेगा किसी मुमिन के यानी जिसने जानबूझ के किया इसको स्पोर्टिव सुरे ने की आलरेडी आयात भी गुजर चुकी है कि जिसने जानबूझ के ममिन को कतल किया उसकी जजा फिर हमेशा की जहन्नम है और वो इतना क्रिटिकल टॉपिक था उस पर मैंने फिर वीडियो डिटेल से रिकॉर्डिंग करवाई थी एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कत्ल ना हक इस हवाले से उसमें मैंने सारी अहदीस डिस्कस की थी आज मालनी कि उसकी तरफ जाऊँ वह मई युशर बिल्ला फ़कत वम बीदा और जो कोई अल्लाह के साथ शिरक करता है या करेगा ये दोनों चूंकि मुजारे का सी सीगा है तो वह गुमराह हुआ और गुमराही में भी दूर जा पड़ा यही आयत आई थी सूर्य आयत नंबर फोर्टी एट भी उसमें शुरू के अल्फाज तो यही थे इन अल्लाह या फिर वहीं कभी व यक फिर मदून अजािकली लेकिन उसके साथ आगे अल्फाज क्या थे व मैं युषरक बिल्ला फ़कदफरा इसम नवीमा जिसने शिर किया तो उसने बहुत बड़ा गुनाह का काम बहुत बड़ा झूठ है जो अपने रब पे बांध दिया बाकी शुरू के अल्फाज वही थे तो वो आयत जब आई थी तो मैंने मुसलसल तीन कुरान क्लासेस सिर्फ एक आयत पे लगाई थी 71, 72 और 73 और आज चल रही है 83 और उसकी जितनी निटीग्रिटीज़ थी वो मैंने डिस्कस की थी उसके फिर क्लिप्स भी बनेदल मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुँचे हैं जो ये वस देते हैं जो धोखे देते हैं जाहिर है कि अब शर को इस्टेब्लिश करने के लिए इनका उसद तो शैतान है और वो वहाँ वहाँ से ला के बहाने पेश करता है कि अकल दंग रह जाती है कि जी ये भी इसमें से कुछ हो सकता है तो जितने बहाने थे इश्कालात वो मैंने उसमें डिस्कस किए थे और उसमें से भी जो एक क्रिटिकल पोर्शन था आलमोस्ट चालीस मिनट का तोहीद से मुतक दस इश्कालात इश्काल अरबी में कहते हैं जिसने आप उर्दू में कह लें चीज़ का मुबहम हो जाना या एम्बिग्विटी पता ना चले कि ये है ये हालांकि वो होती वाज है लेकिन वो ऐसा उलझाते हैं उसमें मसलन मैंने ये भी बताया था कि वो कहते हैं जी अगर गैर अल्लाह से मांगना शिरक है तो फिर अम्मी से रोटी ना मांगे अल्लाह से मांगे अंदाजा करें एक आम आदमी सोचते है यार वाकई ये तो इस तरह हालांकि फिर उसको ये पता ही नहीं कि कुरान में ज़हरी इसबाब को तो अल्लाह ने वैसे अलग किया है वो अल्लाह ने प्यास बुझाने का ज़रिया पानी को बनाया भूख मिटाने का ज़रिया रोटी को बनाया और फिर इस्बाब के साथ इसको जोड़ा और उसका कुरान में हुक्म दे दिया वन बिर व तकवास्मी नेकी और परेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो बुराई में अलग रहो वहाँ तो मदद मांगने का हुक्म है वो तो आप काफिर से भी मदद मांग सकते हैं लेकिन जो दुआ है ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से दुआ मांगते हैं तुझी से मदद मांगते हैं यह वाली जो मदद है ना ये खास अल्लाह के साथ अल्लाह ने अपने साथ खास कर लिए इसको इबादत के तौर पर तो इस पर चूंकि बड़ी डिटेल मैंने डिस्कशन किया है यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ वैसे तो जब भी तोहिद पर आयात आती हैं तो दिल तो करता है कि एक घंटा और लगाया जाए और जिन्होंने इस्लाम का लबादा ओढ़ कर मुसलमानों में घुस के शिरक को आम किया है उनको मज़ीद नंगा किया जाए लेकिन मैंने ऑलरेडी उस वक्त इतनी तसली की थी ज़्यादा तीन क्लासें रिकॉर्ड हुई हैं तो एक नशस्त में नहीं हुई तीन हफ़्तों में हुई हैं और वो एक एक क्लास के लिए पूरे हफ्ते की वर्किंग होती है कि ताकि कोई एक चीज़ भी ऐसी ना हो कि जो स्किप हो जाए उसमें लोग कहते हैं जी मुख्तसर बात करें मेरे भाई जहां पर ग्यारहवीं शरीफ को साबित करने के लिए ग्यारह सौ सफ़ों की किताब लिखी जाए तो सर हमें ग्यारह घंटे तो दें ना कि हम उसका जवाब दें ऐसे वसूसे उन्होंने छोड़े हुए ऐसे ऐसे चूहे छोड़े हुए तो वह फिर मैंने डिटेल से उस पर डिस्कशन की थी आज मैं इसको स्किप कर रहा हूँ इधरूना मिलदून ही इल्ला इनासा ये तो नहीं पुकार रहे मगर देवियों को फ़ीमेल देवियों को मोनिस जो देवियां हैं उनको पुकार रहे हैं अच्छा अब इनके जो नाम भी थे ना सारे वो फीमेल्स वाले थे लात मनात रज़ा जो उन्होंने बुते बुतों की और देवियां जो बनाई थी फरिश्तों की बनाई हुई थी तो फरिश्ते तो ना मेल हैं ना फ़ीमेल वो तो इस जेंडर से ही आजाद है तो अल्लाह तौर मारा कि ये औरतों के नामों वाली इन्होंने देवियाँ जिनको ये पुकार रहे हैं वहाँ इदू ना अ शेयु़ौन अम मरीद शे मरीदा और ये तो नहीं पुकार रहे मगर शैतान सरकश को ज़ाहिर शैतान ही पीछे खड़ा हुआ है ना अच्छा अब आप देखें ये जो मेरे सामने तर्जुमा है ना करम शाह साहब अलजरी का तर्जुमा, है उन्होंने इसके तर्जे में कर दी है कि ये तो इबादत नहीं कर रहे मगर शतान सरकश की तो इबादत होता तो यहां होता या याबुदू ना यह है यदरू ना यदू कहते हैं पुकारने को दुआ पुकारना निदा करना आप जाहिर है कि ये जिस फिरके से ताल्लुक रखते हैं ना उनका तो काम ही सारा पुकार पर चल रहा है तो उन्होंने तर्जमे भी ऐसी ढंडी मार दी कि लिख दिया इबादत तो ज़ाहिर है कोई भी बरेलवी देवबंदी या लदीश या ये तो नहीं कहेगा कि मैं अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करता हूँ लेकिन अगर यहाँ पर तर्जमा वो करते है कि ये तो नहीं पुकार रहे मगर शैतान को तो उसके दिमाग में कहीं आ सकता था कि अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारना मदद के लिए तो कभी उसके दिमाग में आ सकता था कि यह मैं जो शाह या शेख अब्दुल्कर जीलानी मदद या या अली मदद कह रहा हूँ ये तो मैं अल्लाह के मुकाबले पे उन हस्तियों को पुकार रहा हूँ और उन हस्तियों ने कहीं ये नहीं कहा आज जीजस क्राइस्ट के नाम पे इतना बड़ा शिरक खड़ा हुआ है पूरी दुनिया में कि यकीन करें कि अगर हजरत ईसा ने मरियम पैगम्बर ना होते तो दुनिया में सबसे ज्यादा उन्हें कंडेम किया जाता तो के हवाले से अब चूंकि उनके पीछे कुरान खड़ा है इसलिए वो हमारे उस गुस्से से और हमारे वो जो दर्द जो हमारा है तोहीद के वाले से वो बचते हैं कि हम कहते हैं उनकी तनीमत नहीं है अल्लाह ने तो यहाँ तक उनको डिफ़ेंड किया है लक़द कफ़र अल्लादीन क़ाल उलमसी उल अल्लाह उलमसी अब्न मरियम बेशक वो काफिर हैं जो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ई साबन मरियम है वक़ालमसी जबकि मसीह ने तो यही कहा था अपने फॉलवर से रबी वरब्बुम इबादत करो उस रब की जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है इन मैं युषरक बिल्ला बेशक जो कोई अल्लाह के साथ शिर करेगा फकत हर तो बेशक अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है वमा वाहु नार और उसका ठिकाना है जहन्नम जहन्नमीन और ऐसे शख्स का क्यामत वाले दिन कोई मुश्किल कुशा मददगार नहीं होगा तो अल्लाह तार ने जीजस क्राइस्ट ईसा साब मरियम सफाई खुद कुरान में दे दी कि उनके नाम पर अगरचे इंसानियत का सबसे बड़ा शिरक हुआ लेकिन वो बरी हैं इससे उनकी ये तलीमात नहीं थी तो फिर सईदुन अली या शेख कादर जिलानी वो भी बरी हैं उन्होंने कहीं ये तालीमत नहीं दी कि उन्हें पुकारा जाए उनको तो छोड़ दें ये आपके दौरे हाजिर में एक इतनी बड़ी मिसाल है पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की उनके तो कलम की से भी अभी खुशक नहीं हुई जो उन्होंने किताबें लिखी हैं एआनत और इस्तेनत की शरी है जिसमें उन्होंने गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारने को शिर कहा उसकी वजह से सारे बिरलवी और पीर हजरा उनके मुखालिफ हो गए और फिर उन्होंने वो जो दुआया नज़म कही सब का दाता है तू, सब को देता है तू और वो सारे अलफाज जो बिरलवी मकतब फ़िक्र के अंदर बुजुर्गों को पुकारने के लिए यूज होते थे उन्होंने एक एक लफ्ज मुश्किल कुशा दाता हाजत रवा अपने शेरों में सारे वो अल्लाह के साथ मंसूब करके ना इनकी पूरी ब्रेन वॉशिंग की हमारे शेयब भाई ने पढ़ी थी माशाल्लाह वो लाखों लोगों ने वो देखी है सबका दाता है तू सबको देता है तू तो इसके बावजूद उनको मरे हुए ऑलमोस्ट दस साल हुए और उनके बेटे उनका उर्स करवा रहे हैं बड़े बड़े बैनर्स लिखे हुए हैं हक नसीर या नसीर और पता नहीं आल मदद पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है ये तो हमने अपनी जिंदगी में देख लिया है इस मॉडर्न दौर में ग्यारह साल के अंदर उनके अपने बेटों ने वो काम शुरू कर दिए हैं जो जिसके वो खिलाफ पूरी जिंदगी बोलते रहे ये वाज सबूत है कि पुराने बुजुर्गों के साथ भी अगर कोई गलत बात मंसूब हुई है तो इसकी कोई आ, एशोरिटी नहीं है कि उन्होंने ये सब कुछ कहा है खजूसा वो लोग जिनकी हमें तोहैद वेरीफाई हो जाती है बाकी किताबों से शेख अब्दुल अबाद जनानी की किताब है फतूहुल गईब उसकी शराह इमाम इबिन तैमिया ने लिखी है तोहीद का वो आप समझ लें कि सरचश्मा है और उसके जितने भी जबरदस्त किस्म के इकतबास थे ना वो पीर नसीरुद्दीन साहब ने एक से किताब लिखी अलजवा तो फ़त गौसिया शेख अब्दुल कादर जिलानी की तालिमात की रोशनी में उनकी किताबों से तौहीद के मोती ये इतनी सख्त किताब लिखी है पीर बसीद्दीन साहब ने एक तो वो शेख अब्दुल कादर जिलानी के वो सारे लिए उसके बाद जो उन्होंने अपने अल्फाज में उसकी जो मैं कहता हूँ जी कोई नहीं एंटी सूफी इतने सख्त अल्फाज में उसे कंडेम नहीं कर सकता जिस तरह उन्होंने खुद किया है और उन्होंने कहा मैं खुद इस मसनत पे बैठा हुआ ये पिछले दिनों हमने जो एक वीडियो अपलोड की थी तो से मुतलिक दस धोखे वो आयत नंबर फोर्टी एट सूरत की तो उसके स्टार्ट में हमने उनकी वीडियो भी चलाई है वो कहते हैं मैं सबसे मजबूत गति पर बैठू मैं तो किसी को मुश्किल नहीं दूर कर सकता और उन्होंने कहा तो जी को कर सकते आए जौहर दिखाए बांध लागे अच्छा यही बात जब हम करते हैं ना कि है कोई बाबा क्या उकार के दसे कहते हैं तो कर रहा है तो वो तो उन्होंने खुद कहा है क्या करके दसो चूंकि वो बड़ी एक पर्सनैलिटी थे इसलिए यानी लोग दबे अल्फाज में तो बोलते रहे लेकिन उस तरह खुल के सामने नहीं आए बर उन्होंने अपना जो डैमेज करना था वो कर दिया शिरक के हवाले से जो उन्होंने शिर को डैमेज करना था और तोहीद को इस्टिश करना था काफ़ी हद तक उन्होंने मामलात कर दिए तो ये शैतान को पुकार रहे हैं तो अब यहाँ देखें इन्होंने इबादत तर्जमा किया इसी तरीके से वह सूर्य जिन में आयत आती है ना वह अनिद्ला फला और ये कि मस्जिद खालिस अल्लाह के लिए है मसाजिद में अल्लाह के सिवा किसी और को ना पुकारो वहाँ पर भी न ब्रिल्वी उन्होंने तर्जमा ये किया मस्जिद खास अल्लाह के लिए अल्लाह के साथ किसी और की इबादत ना करो अब मुझे बताएं इबादत तो कोई भी नहीं कर रहा वैसे तो पुकारना भी इबादत है लेकिन आम बंदे को इबादत से फौरन जहन में आता है नमाज लेकिन वो भूल जाता है कि नमाज खुद दुआ है अबू दाऊद अबूद सुनन सुनसाई तीनों में हदीस मौजूद है आ दुआ इबादा दुआ ही इबादत है इसीलिए कुरान में देखें ईया का नाबुदू के बाद व ईया का नस्तिन आया दुआ का जिक्र साथ यह आया कि अगरचे इबादत थी नस्तिन भी लेकिन उसे अल्लाह से मैंशन किया कि इसमें अगर किसी को वैम भी आए ना तो वो निकल जाए अच्छा इबादत में तो नमाज रोज़ा हज जक़़त नज़र कुर्बानी सदका सब आता है इस सब को अल्लाह ने नाबुदू के साथ एलिब्रेट नहीं किया एक चीज़ को निकाल के लदा कर दिया ईया का नाबुदू व ईया का नस्तिन ईया का नस्ताइन की कोई जरूरत नहीं थी नाबुदू के होते हुए क्यों नाबुदू में क्या दुआ नहीं आती सुरेफ आते खुद दुआ है सजदा रोजा हज ज़कात जक़ातर्बानी ये सब आता है लेकिन अल्लाह ने एक चीज को अलग निकाल के जिक्र कर दिया क्योंकि अल्लाह को पता था काम में देश देज है और वह है व ईया का नस्ताइन आपको मजे की बात बताऊं कि डॉक्टर फरत आशमी ने ना सुन्नत अजकार और दुआएं एक किताब में जमा की हैं और उस किताब का नाम रखा है वाईया का ठीक है क्योंकि नस्ताइन की अप्रोप्रियट ट्रांसलेशन यह है कि सिर्फ तुझी से दुआ मांगते हैं मदद नहीं सिर्फ मदद में तो फिर वो धोखा देंगे जी वो थी हमने वजन उठाना हो तो किसी को बुलाते नहीं मदद के लिए वो उस तरफ चल पड़ते हैं इबादत दुआ अब इस्लाम ने जब यह फरमाया ना दुआल इबादा तो इसके साथ आपने कुरान की आयत पढ़ी सूरत की जिसे सूरह गाफिर भी कहते हैं इंदीना आने इबादती स्टार्ट पहले इससे हुआ आपने वो पहला हिस्सा पड़ा लकुम ए मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा इन जो करेंगे ना मेरी इस इबादत से यानी मुझसे दुआ मांगने से आर महसूस करेंगे मैं उन्हें जरीलो खार करके जहन्नम में दाखिल करूंगा मा तो अब अल्लाह ने कहा कि जो दुआ जिक्र किया कि दुआ करो मैं कबूल करूंगा और साथ का जो इबादत से तकबर करेंगे उन्हें दोजक में डालूंगा यानी अल्लाह ने खुद कह दिया दुआ को इबादत और नबी इस्लाम ने इसको दरीर के तौर पर पे पेश किया आप जरा इनसे पूछे वही फला तदरू अहदा मैं ये तदरू का तर्जुमा इबादत कर दिया आपने हो सकता है वो फिर आपके साथ गेम खेलें कि जी वो इबादत इसलिए किया कि धुआ भी तो इबादत ही होती है ना एडे नीजे जलेबी रू ना ज्यादा डेंगे अच्छा ये अगर आपकी होती ना मनतिक तो आप करते आप लिखते कि अल्लाह के साथ किसी को ना पुकारो और ब्रैकेट में यानी कि पुकारना ही इबादत है इबादत ना करो फिर तो इखलास मान लेंगे पकड़ के तर्जा ही चेंज कर दिया यानी हमें अरबी नहीं आती ये तो लफ्जी उर्दू में मुस्मल है उर्दू में दुआ मुस्तमल है ना पुकारना तदुअ ताबुदूना ये लफ्ज़ तो नहीं आया तदरू लफ्ज़ आया तर्जमा कर दिया इबादत तो पूरी नेक नेकदनीति के साथ ना इस्लाम के अंदर बिगाड़ इन लोगों ने दाखिल किया है पूरी होशियारी के साथ और उसके पीछे रीज़न ये थी कि चूंकि सदियों का बिगाड़ आ चुका था वो कहते हैं ये तो तय है कि हम जिन बाबों के मानने वाले हैं वो ठीक थे अगरचे कुरान की तालीमत की रोशनी में वो गलत साबित हो रहे हैं लेकिन अब करते ही हैं कि कुरान को ही किसी तरीके से बाबे का मुरीद कर लेते हैं बजाय खुद कुरान के मुरीद होने के ना कुरान को मुरीद कर दे बाबे का ताकि दोनों पीर भाई बन जाए सर कुरान को तो आप किसी पैगम्बर के ताबे भी नहीं ला सकते नबील इस्लाम को कुरान में कई जगह ये बात इर्शाद हुई है और इसका क्लाइमेक्स है सुरह यूनुस मैं यकीन करें जितनी बारी अल्फाज पढ़ता हूँ मतलब कहाँ पढ़ता है कि किस लेवल की गुफ्तु हो रही है इस लेवल पर उतर के भी अगर किसी उम्मत को समझाया जाए उसके बाद भी वो उम्मत काम डाल दे तो फिर सर दुख ही होता है ना कि अगर किताब सलामत ना रहती फिर तो आपका गिला ठीक था किताब भी सलामत हो और हरकतें ये हों वही आया तुना और जब हमारी आयात इन पर पड़ी जाती हैं बइ्यनाथ रोशन क़ालीन ला अर्जुन तब क़़ुरआन गई बद दिल तो जो लोग क़्यामत के दिन हमारी मुलाकात के उम्मीदवार नहीं है ना आंखें चुराते हैं ना अकाउंटेबिलिटी के दिन से तो एनबी वो तुमसे कहते हैं कि इस कुरान को छोड़ के कोई और कुरान लेकर आओ यानी इसको थोड़ा सज रहा वही बात है प्यार दें मोहब्बत दें वो जो हमारे माध भाई कहते हैं ये तो बड़ी सख्त बातें कोई और कुरान लेकर आओ आओ बद हो या इस कुरान को बदल दो एनबी इस कुरान में तो बड़े गाड़े फतवे हैं को मीठी मीठी कोई, कोई तारजमीसा वाली बातें करो ये समझाने के लिए कुल मा यकून उली अन उबदिलहू मिल तिल कौनसी ए नबी तुम फरमाओ कि मुझे तो ये इख्तियार ही नहीं है कि मैं अपनी नफ्स की ख्वाहिश के साथ इस कुरान के किसी हिस्से को बदल सकूं नबी को तो इख्तियार नहीं है लेकिन नबी के उम्मतियों ने अपने बबों के पीछे कुरान का तर्जा भी तब्दील किया उसकी तफसीर भी तब्दील कर दी डॉक्टर सरार साहब सही कहते थे कि कुरान की भी तारीफ हो चुकी हुई है सिर्फ टेक्स्ट महफूज है कुरान में तारीफ उन्होंने कर दी है जब टेक्स्ट महफूज है टेक्स्ट जिन लोगों तक पहुंचाना है वो तो जाना है तर्जे की फॉर्म में तर्जमे में बाबा घुस गया उससे जो रिजल्ट निकलना था ना जिससे उसकी असलाह होनी थी वो मौलवी ने बैन कर दिया जब तदू का तर्जमा इबादत कर दिए तो उन्हें उन्हें इबादत भी अल्लाह की करनी है और बा भी पुकारना है और तर्जमे जो चेंज हो गया इन इल्ला मा यूहा मैं तो इतबा करने वाला हूँ नहीं इत्तबा करने वाला सवाए इसके जो मेरी तरफ वही किया जाता है इन्नी इन अखाफ इन आसई तो रबी आदाब योमिन अजीन बेशक मैं तो खुद इस बात से डरता हूँ कि अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा नबील इस्लाम के बारे में भी तुम फरमाओ कि अगर अल्लाह ही चाहता ना तो मैं कभी कुरान तुम पर तलावत न करता यानी मुझ पर नाजिल ही ना होता और ना तुम्हें इसका इदराक करवाया जाता फ़कत लबिस तो बेशक मैंने अपनी उम्र का काफ़ी हिस्सा तुम में गुजारा है मिन कबली इस कुरान के नजूल से पहले अफला त्या तुम्हें अक़ल नहीं आती है कि मेरी ज़िंदगी में तो कभी ना कोई शायरी थी ना इस तरह की गुफ्तु थी यानी एक बंदा जो सलीस जुबान में बात करता है अचानक वो रदीफ काफ़ियों में बात करना शुरू कर दे और वो किसी शायर के पास भी ना जाए और इतनी परफेक्शन के साथ वो गुफ्तु शुरू कर दे जबकि उसकी चालीस साल की ज़िंदगी लोगों के सामने हो तो अल्लाह ताली फरमा रहा है कि तुम नबी फरमाओ कि मेरी ज़िंदगी पर गौर करो कहीं नज़र आता है कि मैंने कभी किसी शायर के बाद कोई मशकें की हुई हों और ये मैंने ये ये फन लर्न कर लिया हो अचानक मैंने ये सब कुछ कहना शुरू कर दिया तो ये अल्लाह ना चाहता तो ना मैं तुम पे तलावत करता मुझे तो खुद भी नहीं पता मेरे ऊपर नाजिल हुआ है और मुझे अल्लाह तला तो ने चूज कर लिया बस उससे बढ़कर कौन जालिम हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांध दे यानी यह कहा जा रहा है कि बिलफर्ज अगर मैंने अल्लाह पर झूठ बांधा ना कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं तो मुझसे बड़ा फिर जालिम कोई नहीं है लेकिन यह तो कोई नहीं है तो फिर अब असल जालिम कौन है भी आया आती या फिर वो सबसे बड़ा जालिम होगा जो ये मानने के बाद ही अल्लाह का कलाम है झुटला दे इुफुल मुजरिमून बेशक अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फलाह नहीं देता जो मुजरिम लोग हैं व्या आबुदून अमिन और वह इबादत करते हैं अल्लाह की माला मलाम जो ना उनको नफा दे सक नुकसान दे सकते हैं ना नफा वा और कहते हैं हाउला तो के सिफारशी हैं तुम अल्लाह को ऐसी बात बता रहे हो जो अल्लाह के तो इल्म आसमानों और जमीन में मौजूद ही नहीं हुई 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 हुई। अम्मा पाक है बोजात सबसे बुलंद ऊंची, हर उस चीज के शिरक से जो उसकी तरफ तुम मंसूब करते वैसे तो ये छोड़ने को दिल ही नहीं करता यूनुस यही चलनी शुरू हो जानी थी आगे ये तो वखरा जहां है सर ये जहाँ ही कुछ और है तो अब अल्लाह ताला किस तरह खोल खोल के चीज़ों को बयान कर रहा है लेकिन ये उनके लिए कुरान को सुन लें जो कुरान को नहीं सुनेंगे उनके लिए कोई हदायत नहीं है लन अल्लाह की लानत है ऐसे लोगों पर जो अल्लाह के सिवा और हँसीियों को पुकार रहे हैं वकाल लबादी का नसीबम अफरूद और शैतान ने तो पहले ही कह दिया था अल्लाह मैं तेरे बंदों में अपना हिस्सा मुकर करूँगा यानी बंदे तो तेरे हैं लेकिन कुछ मेरे भी मुरीद हो जाएंगे उसमें से तो वो तो बहुत ज़्यादा हुए हैं वो तो सूर्य सबा में फातिर में आएगा शैतान ने जो अपना गुमान था सच कर दिखाया और अक्सरियत उसकी पैरोकार हो गई सवाए चंद मोमिन के अल्लाह ने देखे जी अल्लाह कैसा ट्रूथ लवर है कि अल्लाह ने शैतान की बात भी इंडोर्स कर दी है जी भाई एक दावा किया कार दिखाया उन्हें और एक तो ये कहा उसने उसके बाद शैतान ने क्या कहा था वाला उदिल हम और मैं जरूर उन्हें गुमराह करूंगा वाला उमन हम और मैं जरूर उन्हें लंबी लंबी उम्मीदें दिलाऊंगा कि अभी तो बड़ी उम्र पड़ी हुई है जवानी में दाढ़ी रख के रोग लगाने की क्या जरूरत है वाला आम और हम और मैं उन्हें हुक्म दूंगा इस बात का जहरा शीतान फिजिकली तो आगे हुक्म नहीं देगा किसने मानना है यानी वो वसवसे दिला के और इंसानों के जरिए और इंसान में उनके नुमाइंदा लुमाए सूए मिनल जन्नति वंद मैं इनको हुक्म दूंगा फल युब तन न आज़ाल तो वो ज़रूर बिल ज़रूर चीरेंगे कान चौपायों के यानी ये जो शरीयत की बिगड़ी भी शक्ल चल रही थी ना अरब के अंदर के वो बुतों के नाम पर कान चीर के ना जानवरों के छोड़ देते थे कि ये फ़लाह बुत के नाम का जानवर है ये उसकी खुशनुदी के लिए हम जो है ना ज़बा करेंगे ये तो अल्लाह के लिए होना चाहिए तो अब अल्लाह ने तो खैर फिर अपने लिए तो कह दिया कि जो अबू धा तिरमजी में हदीस है कि जो नबी अस्ताम ने फरमाया सईदली कहते हैं कि कोई भी ऐसा जानवर उसकी कुर्बानी नहीं लगेगी जिसका कान कटा हुआ हो सींग टूटा हुआ हो लागर हो लंगड़ा हो तो उसके पीछे ये भी रीज़न थी हालाँकि अब कान किसी का कटा हुआ है तो बेसिकली मुशरकन की भी एक मशाबियत होती थी वो चीज़ मना कर दी गई अब ये जो सूर्य निसा का आयत नंबर वन नाइनटीन का ये पोर्शन है ना और मैं जरूर बिल जरूर उन्हें इस बात का हुक्म दूंगा बस वो जरूर बदल देंगे तेरी बनाई हुई खलकत को यानी जो तेरी नेचर है ना इसको टेम्पर कर देंगे अब ये नेचर टेम्पर करना यानी एक जानवर सींगो वाला आपने उसके सींग तोड़ दिए नेचर टेम्पर कर दी उसकी काम थे काट दिए नेचर टेंपर कर दी यानी जिस चीज पे कुदरत ने उसको बनाया था उसको आपने तोड़ दिया उस रूल को तोड़ दिया ये तमाम काम जिनमें आप नेचर की मुखालफत करते हैं वो चीजें शैतानी अमाल है अब इसमें कई एक अमाल आते हैं मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम हदीस है दस चीज़ें फितरत से हैं उनमें एक है दाढ़ियाँ बढ़ाना अब दाढ़ी मुड़ाना भी फितरत को बदलना है क्योंकि मर्द को अल्लाह ने दाढ़ी दी है और औरत को दाढ़ी नहीं दी तो अब दाढ़ी का मर्द के चेहरे पर उगना यह उसकी फितरत है नेचर है जिसपे उसने अल्लाह को अल्लाह ने उसको पैदा किया है एटलीस्ट इतनी दाढ़ी रखना जिसे उर्फ आम में दाढ़ी कहा जाए इन आप समझ लें आधा इंच जिसे चेहरे की खाल छुप जाए यह बर्द के लिए फर्ज है मुठी रखे सुन्नत है अफजल है लेकिन कम अज कम इतनी दाढ़ी रखना जरूरी है ताकि वो मुखालफत करे उस चीज की जो अल्लाह तब, तबारक व तारा ने जिस चीज को शैतानी काम कहा है कि शैतान ने कहा था मैं खलकत के बिगाड़ने के ऊपर इनको लगा दूंगा इसको सपोर्टिव हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों की कि नबीस्म ने उन मर्दों पर लानत फरमाई जो औरतों की मशाबियत इख्तियार करें उन औरतों पर जो मर्दों की मशाबियत करें उन पर भी लानत फरमाई आपको कई मर्द नजर आएंगे वो अपने कानों में बालियां डाल के फिरते हैं अच्छा वो वो ये समझ रहे होते हम बड़े डोमिनट हैं कोई भी सुलझा हुआ इंसान ऐसे बंदे को देख के कोई इंप्रेस तो नहीं होता आज तक आप में से कोई बंदा इसमें थोड़ी सी अकेला इंप्रेस होता है कि था यार कान टूटा जाए और वो अपने में समझ रहा होता तो है मैं पता नहीं क्या तोप चीज बन अब कानों में बालियां डाल ली हैं औरतों की मिशाबत इख्तियार की तो लानत का मुस्तहिक इसी तरीके से आप देखें कई लोग हैं वो हाथों में कड़े पहनते हैं अब हाथ में कड़ा पहनना और जेवरत की एक किस्म की एक रिजमलस इख्तियार करना हम तो यकीन करें हमने तो वो कभी चेन वाली घड़ी नहीं पहनी इसी डर से कि यार मैं उसमें फतवा नहीं लगाता क्योंकि उसमें तो घड़ी आ जाती है लेकिन बहरल फिर भी शुरू में तो अहमद अब साहब तो वो कहते थे ये औरतों की मशाबियत है चेन वाली घड़ी वो नहीं पहनते थे उसको मुशाबियत समझते हुए कि जेवर के करीब है मेटल तो है ना लेकिन घड़ी की वजह से उसके ऊपर से वो हुक्म उतर जाता है ज़्यादा वो चूड़ी या उसमें आपका कड़ा उसमें तो नहीं उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता इस तरह बाज़ मर्द बाल इतने लंबे रख लेते हैं कि वो इससे नीचे चले जाते हैं शोल्डर तक टच करेंगे सुन्नत है शोल्डर को क्रॉस करेंगे वो औरतों के साथ मुशाबियत आ जाएगी वो हराम है और औरत शोल्डर के नीचे रखेगी इससे जैसे ही ऊपर करेगी या टच करवाने तक इस हद हाँ तक रखेगी वो मर्दों की मिशाबियत हो जाएगी तो ये वाली इसी तरीके से कपड़े पहनने में भी है जिस तरह आजकल नाथ खानों ने ऐसे अजीब कपड़े पहने होते हैं कि यानी जब तक आप उसकी शक्ल ना आप किसी के सामने करें निचला धाड़ा आप दिखाएं तो वो पता नहीं चलता है ये मर्द है या औरत है जिसने ये कपड़े पहने में पहले तो ये सिर्फ पहनते थे हमारे ये जो सिंगर हजरात हैं लेकिन अल्लाह के फजल से या बल्कि कहना चाहिए अल्लाह के गज़ब से नाथ खां तो जो है सिंगर्स को भी छोड़ गए वो फिर भी कोई डिसेंट लिबास पहनते हैं नाथ खां तो उनकी तो पगड़ियों में पाँच पाँच दस दस रंग और गोटे लगे हुए होते हैं और वो अपने तौर पर ये समझ रहे होते हैं हम अच्छे लग रहे हैं लेकिन यकीन करें हमारे तो छोटे छोटे बच्चे भी देख के इनको हंसते हैं कि यार ये किस किस्म के कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं तो ये सारी मुशाबियत ऐसी है जिसमें इंसान लानत का मुस्तक होगा अच्छा इसमें एक और पहलू भी है कि इस तरह के मामला से बचते हुए बिल्कुल इंसान ये नहीं है कि परांगदा हालत में रहना शुरू करते वो भी सोना नबी दाऊद में हदीस है नबी इस्लाम ने एक शख्स को देखा उसके कपड़े मैले थे तो आपने फरमाया इसको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि कपड़े धो के पहनता एक शख्स आया सो नबी दऊद में मुस्द आमद में हदीस है उसके बाल बिखरे हुए थे आपने फरमाया तुझे कोई कंगी नहीं मिली तो अपने बाल संवार लेता इस चीज़ को नापसंद किया इसी तरीके से सुनबी दाऊद मुस्नद अहमद में एक हदीस है ये सारी हदीसें आपको मिशकात में किताबुल लिबास चैप्टर में मिल जाएंगी नबील इस्लाम ने एक बंदे को परांगदा हालत में देखा आपने फरमाया कि तू क्या करता है वो कहते हैं मेरी इतनी भेड़ बकरी है वो बड़ा अमीर लैंडलार्ड बंदा था उसके जानवर ही इतने ज़्यादा थे तो आप फर्माए तेरे कपड़े की हालत है मतलब अल्लाह तला पसंद फरमाता है कि जब किसी को दे तो उसकी नेमतों का असर उस पर दिखाई दे लेकिन इसमें फजूल खर्ची नहीं होगी ये ऐसी हरकतें नहीं होंगी कि जिसकी वजह से किसी गरीब का दिल दुखना शुरू हो जाए लोग बाज़ात पैसे का शो ऑफ करते हैं वो भी बिल्कुल हराम है ये जहन में रखिएगा ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं और ना इसकी बुनियाद पर कोई शख्स किसी को सादगी से रोक सकता है जामिया में हदीस है जिसने दुनिया में सादा लिबास इख्तियार किया महंगा लिबास छोड़ दिया तो क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला पब्लिकली उसे जन्नत का हुल्ला पहनाएगा कि इसने मेरी खातिर दुनिया में सादगी इख्तियार की यह सादगी है इसका यह मतलब नहीं कि गंदे कपड़े पहन लेने हैं या वो लियास कादरी साहब अपनी वीडियो में बता रहे थे फिजाने सुन्नत में उन्होंने लिखा भी हुआ है पुराने वाली में वो कहते हैं मैं तो अपने नए सूट के ऊपर पैवन लगा लेता हूं ताकि सुन्नत पूरी हो जाए यह तो बिदत है सुनत तो यह कि कपड़ा फटे तो उस पर पे पैवन लगाया जाए नए कपड़े के ऊपर पैवन लगाना अगर सुनत होती तो हजूसलाम खुद लगाते तो कहते सुन्नत यानी जबरदस्ती की सुन्नतें बना के उन पे अमल करना यह भी एक्सट्रीम है दूसरी तरफ यह भी सुनबी दाऊद में हदीस है जिसने दुनिया में शोहरत का लिबास पहना पयामत वाले दिन अल्लाह उसे जिल्लत का लिबास पहनाएगा अब शोहरत का लिबास कौन सा है जिसमें तकबर हो लोगों को नीचा दिखाना मकसूद हो अभी ये देख लें हमारे कई पॉलिटिशियंस हैं मेल फीमेल आप देखें 40-40 लाख के पर्स उन्होंने उठाए हुए हैं 20-20 लाख की घड़ियां पहनी हुई है। हैं और फिर बकायदा जब अपने इंटरव्यू करते हैं तो साफियों से लिखवाते हैं कि लिखो ये फलां ब्रांड का ये वो ये तो हराम है चाहे हलाल की कमाई का भी है ना इस तरह की नुमाइश करना हराम है सही मुस्लिम में हदीस है जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकबर हुआ वो जन्नत में नहीं जाएगा तो साहबा डर गए उनका यारसल्ल्ला बाजुकात इंसान की ख्वाहिश होती है उसके कपड़े जूते लिबास अच्छा हो तो क्या ये तकबर में आएगा आपने फरमाया ये तकबर नहीं है अल्लाह भी खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है तकबर ये नहीं कि तुम अच्छा लिबास पहनो या अच्छे दिखो बल्कि तकबर यह है कि तुम हक बात से रू गर्दानी करो इनाद करो और दूसरों को हकीर जानो यानी किस शख्स को पता चल गया कि कुरान में ये लिखा है और अब उसको नहीं मान रहा चाहे वो ये कह रहा है कि जी मेरे बुजुर्ग ये कहते थे मैं ये क्यों मानूं इसका मतलब उनको मुझसे बेहतर आता होगा ये तकबर है एक बंदे को पता चल गया बुखारी मुस्लिम में नमाज का तरीका यह लिखा है अब वो इतनी अकड़ में आया कि वो बजाय उस सुन्नत पर अमल करने के माशरे के डर से सुन्नत को छोड़ रहा है तो इसके अंदर तकबर है क्योंकि वो अल्लाह के सामने अकड़ रहा है आर्जी अल्लाह के सामने करनी थी वो की हुई है वाम के सामने के अवाम के डर से नमाज नहीं पढ़ा रहा रफुलद्दैन के साथ अवाम के सामने तो कोई आपने आर्जी नहीं करनी होती आर्जी तो अल्लाह के लिए अवाम के लिए सिर्फ यह कि अवाम के सामने आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि उनको आप जलील करें आपने अच्छा लिबास पहनना पहने लेकिन इसकी बुनियाद पर किसी की गुर्बत का मजाक ना उड़ाएं जो है ना कि दूसरों को हकीर जानना और देखें अल्लाह ने कैसा गरूर तोड़ा है हमारा नमाज में सही बुहारी में अदीस है नबीसलाम यानी सफ़ों को सीधा करवाते थे तो पाँव से पाँव को मिला देते थे फिज़िकली युल के अल्फाज़ हैं फिज़िकली मिलाते थे और इस चीज़ का आपको इधर तो इतना एहसास शायद ना हो आप कभी हाज और उम्र के लिए जाएँ और कोई आपके साथ हपशी पाँव मिला के खड़ा हो जाए ना तो आप जब रुकू में जाएँगे तो आपको बड़ा अजीब फील हो रहा होगा ज़ाहिर जी वा एक बिल्कुल काला स्याह पाओं बंदे को बाजूक़ात दिल में थोड़ा सा फ़ील होती है चीज़ तो अल्लाह ने ये गरूर तोड़ा है कि अमीर हो गरीब हो गोरा हो काला हो वो अपने जिसम के साथ जिसम पाँव के साथ पाँव मिलाएँगे ताकि उनकी ये बीच में तकब्बुर टूट जाए कि अल्लाह के सामने इस बुनियाद के ऊपर कोई फ़र्क नहीं है वो तो मुसनद आमद मदीस है तुम सब आदम की औलाद हो आदम को अल्लाह ने मट्टी से पैदा किया था किसी काले को गोरे पर किसी सुरख को स्याह पर किसी स्याह को सुरख के ऊपर किसी गोरे को काले पर किसी काले को गोरे पर कोई फोकियत नहीं मगर तकवे की बुनियाद पे जो सूरत हजरात में है इन अक्रम बेशक अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला वो है जो तुम में तकवे वाला है तो अल्लाह ताला को इससे परवानी उसको होनी भी नहीं चाहिए उसने तो खुद सुरय हुजरात की शायद का गाज इससे होता है ना कि अल्लाह तला ने तुम्हें कबीलों में और ख़ानदानों में बांट दिया लिताफू ताकि तुम्हारी पहचान हो इन अक्रम तकवे का मैार ये नहीं है कि कोई किस खानदान में पैदा हुआ है बेशक अल्लाह के नजीक इज्जत वाला वो है जो तकवे वाला है अल्लाह के हजूर ये नहीं है कि किसी का रंग क्या है तो आजजी और इसी तरीके से नुमाइश इनके दरमियान बैलेंस आपने रखना है बाकी शहरत के लिबाज से जिस हद हाँ तक बच सकते हैं वो बचें इसमें एक और हदीस है जिसको अक्सर लोग पूछते हैं जिस सुनब दाऊत में एक हदीस है जिसने जिस कौम की मशाबियत की वो क़्यामत वाले दिन उन्हीं में शुमार होगा और ये हदीस बयान करके फौरन वो कहते हैं जो पैंट शर्ट पहनेगा वो घोरों के साथ उठाया जाएगा वो ये उसकी तशरी कर रहे होते हैं अच्छा वो उनसे ये पूछे कि बोलना ये अपनी जेब में जो स्मार्टफोन है ज़रा ये निकालें ये कौन से गौस कुतुब अब्दाल ने बनाया हुआ है ये इसमें आपकी गोरों की मुशाबियत नहीं हो रही है जिस गाड़ी में आप बैठते हैं इसमें गोरों की मुशाबियत नहीं हो रही आपके घर में जो जितने इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं किसी रमतल अल्लाह की तोफीक किसी को नहीं हुई कोई इस तरह की चीज़ बना सके तो आपकी मुशाबियत पेंट शर्ट में क्यों घुस गई है वो मुशाबियत वो है जो किसी की मजहबी एक्टिविटी में मुशाबत हो मसलन कोई माथे पे संधूर लगा लेता है सिखों वाला कड़ा पहन लेता है गले में स्लीव लटका लेता है टाई नहीं टाई स्लीव में नहीं आती टाई तो हिंदू भी बांधते हैं मुसलमान भी बांधते हैं सिख भी बांधते हैं ईसाई भी बांधते हैं अगर ये मजहबी निशान होता तो वेटिकन सिटी के पॉप ने भी टाई लगाई होती उसने स्लीव लटकाई हुई होती है ये वो मुशाबियत हैं जो महबी एक्टिविटीज़ की मशावियत हैं वो आप किसी कौम के साथ करेंगे तो क़्यामत वाले दिन उनमें शुमार किए जाएंगे बाकी तो हर चीज़ में अब मुशाबियत हो रही है क्या करें हमारे तो कुरान गौरों की प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर छाप रहे हैं हदीस की किताबें उस पर छाप रही हैं तो ये मशाबियत वो नहीं है जो मजहबी मशाबियत है बाकी तो टेक्नोलॉजी जो होती थी वो तो उस वक्त भी टेक्नोलॉजी तो कहीं से भी इम्पोर्ट की जाती थी मसलन हिंद की तलवार मशहूर थी अरब के मुल्कों में अल मोहन्नत कहा जाता था इसे अल <laughs> अलमोहन अडलमुफन्नत दी क्यों निकले आया है तो हालांकि उस वक्त तो यहाँ पे सारे गुमरा ही थी लेकिन तलवारें यहाँ की मानी जाती थी कि हिंद की तलवार है अल अलमुहनत हिंद की तलवार तो अब तो हिंद के मफन्त भी मशहूर हैं हर तरफ के जिन्होंने किताबें लिखी वो भी खुद उनके अंदर भी महन्दीन मौजूद हैं और जिनके खिलाफ़ लिखीं उनमें भी मौजूद हैं वो तो कहीं से भी लिया जाता था इवन ये रोमन्स और पर्शियंस के खिलाफ जब, जब जंगें हुई हैं तो मुसलमानों ने लेटेस्ट असला उन्हीं से ही छीना है मंजनीक मुसलमानों ने तो नहीं बनाई थी इसी तरीके से आपको पता ही है जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने किया था वस्तनतानिया इस्तंबल जिसे आजकल कहते हैं तो वो जो बड़ी तोप थी ना जिसके साथ ये सारी एक्टिविटीज की कि वो एक क्रिश्चियन इंजीनियर था जिसने बनाई थी एक इंजीनियर ने बनाई थी आलम दीन को नहीं बांट सकी थी वो मशहूर बंदा था इतनी पेमेंट पे उस बंदे को उन्होंने बुलाया था है क्रिश्चियन था लेकिन उसने मुसलमानों का साथ दिया तो टेक्नोलॉजी तो आप किसी से भी ले सकते हैं ये जो मुशाबियत मना है वो रिलीजियस एक्टिविटीज में नहीं इस तरीके से गैर मुस्लिमों की आप इबादत गाहों में विजिट के लिए तो जा सकते हैं लेकिन जो वो एक्टिविटीज शिरकिया परफॉर्म कर रहे हैं उसका हिसाब नहीं बन सकते वो फिर आप उस मुशाबियत में आ जाएंगे जिसके बारे में इतने सख्त आपका हैं बाकी इसमें तो कई एक बातें हैं जो की जा सकती हैं यहां पे मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करने से पहले एक हदीस बयान कर दूँ जो मेरी फेवरेट हदीस है सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है एक औरत सैदुना अब्दुल्ला इबन मसूद के पास आती है और कहती है कि हजरत मैंने सुना है कि आप ऐसी औरतों पर लानत करते हैं जो टैटू बनवाती हैं गुदवाती हैं और खूबसूरत दिखने के लिए दांतों के दरमियान गैप बनवाती हैं और चेहरे के बाल उखाड़ती हैं प्लकिंग के जरिए औरत वो बाल तो उखाड़ सकती है जो मर्दों की मशाबियत वाले हों जैसे मूछे लेकिन ये बाल नहीं उखाड़ सकती तो इन तीन किस्म की औरतों पे आप लानत करते हैं तो अब्दुल्लाब ने मसूद फरमा मैं क्यों ना ऐसी औरतों पर लानत करूं जिन औरतों पर कुरान में अल्लाह ने लानत की है हाय 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 वो औरत आगे से कोई इंडिया पाकिस्तान की कोई आश के रसूल नहीं थी ना दी जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से हैं उसने कुरान पढ़ा हुआ था उसने कहा हजरत मैंने पूरा कुरान पढ़ा है मुझे तो कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं मिली है जो आप अच्छा मैंने कहा आजकल की तो औरत, को औरत कोई सवाल भी नहीं कर सकती किसी आलम दीन से आप बोल्डनेस का लेवल देखें अब्दुल्लाब ने मसूद बुखारी मुस्लिम में आया कि चार बंदों से कुरान सीखो अगर सीख रहे हैं उनमें एक इब्ने मसूद है और सही बुखारी में आता है अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं अगर मुझे पता होता ना कि दुनिया में कोई मुझसे ज़्यादा कुरान जानता है अच्छा उनको किसी ने नहीं कहा बड़ी मुतकबराना गल्ला कर रहे हैं ये उन्होंने अपनी जिस फील्ड में अपना टाइम लगाया था उनको फ़ख्र था इसके गेस उन्होंने किसी से चंदा बुक नहीं उसको दी के जाके पैसे लेके आके मुझे समझ उन्होंने बताया कि मैंने एक मेहनत की है तो बुखारी के अल्फाज है अगर मुझे पता हो ना कि मुझसे ज्यादा कोई कुरान जानता है मैं अपने ऊंटों के जिगर जला के ना वहां पर पहुंचू कुरान सीखने के लिए मैंने अस्सी सूरतें हजूर के पीछे सुन के याद की है अस्सी सूरतें एक सौ चौदह में से डायरेक्ट डायरेक्टूर से सुन सुन के आप तो मदरसों में करवाते हैं उस शख्स के बारे में सोचें जो हजूर के पीछे नमाज तहजुद में सुन सुन के अस्सी सूरतें उसने जुबानी याद कर ली है तो वो इतना बड़ा आलिम है और वो औरत कह रही है कि हजरत मैंने पूरा कुरान पढ़ा है कुरान में तो मुझे कोई ऐसी आयत नहीं मिली है यानी रेफरेंस मांग रहा है यहाँ आप काबरीन से मुफ्तिया से बुज़ुर्गान दीन से रेफरेंस मांग के देखें वो कहते हैं उन्होंने पता लग गया कि डिसरे तू बोल रहे हैं तो अब्दुल्लाबन मसूद ने फरमाया कि क्या तुमने कुरान में ये नहीं पढ़ा सूरतर की आयत व माँ रसूल फ़ुदू वमा नहा फ़न तु जो रसुल्ला तुम्हें दें वो तुम ले लो और जिससे मना फरमा दें उससे रुक जाओ तो रसुल्ला ने ही लानत फरमाई है ऐसी औरतों पे जो टैटू बनवाती हैं गुदवाती हैं जिसम में या दांतों में गैप बनवाती हैं ये अल्लाह की खलकत को तब्दील करती हैं अच्छा उसमें अल्फाज ये हैं कि अल्लाह की बनाई हुई खलकत को बदलती अब किसी के दांत टेढ़े हैं ना वो सीधे करवा सकता है वो खलकत को बदलना नहीं है ये जेहन में रखिएगा वो तो उसकी डैमेज खलकत है इसी तरीके से जिन चीज़ों में हुक्म है खलकत को बदलने का वहां पर खलकत को बदलना ही फितरत है बुहारी बुखारी हदीस से पाँच चीज़ें फितरत से हैं मूछे पस करना खतना करवाना बगलों के बाल साफ करना या उखेड़ना जेर नाफ बाल साफ करना ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं खलकत है अलग हालाँकि खलकत को बदला जा रहा है आप जब किसी का खतना होता है तो वो नेचुरल जो पैदा हुआ है उससे तो वो हटा के कर रहे हैं और नाखून काटना पांच चीज़ें मूछे बगलों के बाल जेर नाफ तीन चौथी चीज़ खतना और पांचवी चीज़ नाखून काटना अब नाखून तो खलकत में उग रहे हैं लेकिन इसको काटना जो है फितरत है ये अल्लाह ने काटने को फितरत बना दी है और वह सही मुस्लिम अधिसीस है अनस इब्ने मालिक कहते हैं नबीसलाम ने हमें हुक्म दिया कि हम चालीस दिन के अंदर एक दफ़ा ज़रूर अपने नाखून काटेंगे और ज़र नाफ बाल और बगलों के बाल साफ़ करेंगे कम अज़ कम चालीस दिन इससे लंबा गैप ना आए तो वो अब्दुल्ल इब्ने मसूद कहते हैं कि नबीम ने खलकत बदलने वाली औरतें जो तीन तरीके से खलकत बदलती हैं टैटू बनवा के दांतों में गैप बनवा के या चेहरे के बाल उखाड़ के या प्लकिंग करके या आई बना के आप ये आज के मॉडर्न दौर में तो जब रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई तो गोया अल्लाह ही ने फरमाई क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया जो रसूलुल्लाह दें वो ले लो जिससे मना करें रुक जाओ तो इस हदीस से ये भी पता चला कि साहब कराम आयात को जनरलाइज भी कर लेते थे हालांकि ये आयत मुबारक माल गनीमत के बारे में कि जो माल गनीमत में हजूर दें ले लो जिससे रोक दें रुक जाओ यानी देने से रोक दिया किसी और को दे दिया तो तुम आप गिला ना करो कि मैं तो सीनियर मुसलमान हूं हजूर तो सीनियर्स को देते ही काम थे ठीक है लिहाजा हम भी किसी सीनियर स्टूडेंट को डांट ना तो वो ये समझे कि मेरे मुझे ऑनर दी जा रही है ये नेचुरल चीज होती है और जो न्यू कमर थे उनको जनाब सही मुस्लिम में आता है अबू सुफियान को सौ ऊंट दे दिए थे हजूर ने गजबे हुनैन के मौका पर सौ ऊंट आज की भी आप कैलकुलेशन करें ढाई तीन करोड़ रुपया बनता है तो अंसारी साहबा ने कहा अभी तो हमारी तलवारों से कुरेश मक्का का खून टपक रहा है और इस शख्स पे अपने कबीले की मोहब्बत गालिब आ गई है अब ये कलमाते कुफर थे रसुल्ला के बारे में बोलना जब आपने पैगंबर माना है, तो फिर कोई गिला शिकवा नहीं अब हजूर को अल्लाह ती के जरिए बता दिया कि आपके चंद साथियों ने आपके बारे में यह गुस्तखाना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अच्छा वसवसे की हद तक तो ठीक थे जुबान पे नहीं लाने चाहिए थे जाके हजूर से पूछ लेते कि पूरी जिंदगी कुर्बानी हम देते रहे और जिन लोगों का खून हमारी तलवारों से अभी भी टपक रहा है उन्होंने एन मौके पर इस्लाम कबूल कर लिया है और जब मालिक नहीं आया तो उन्हीं को दे दिया है हालांकि हजूर ने तलीफे कल्ब के लिए दिया था ताकि इनको इस्लाम में पक्का करें तो नबील इस्लाम ने बुला के कहा तुमने यूँ यूँ बात की है उनका यार सुल्ला की है तो आपने फिर मैं क्या तुम इस पर राजी नहीं हो ये दुनिया का माल ले जाएं और तुम अल्लाह के नबी को ले जाओ फिर आप फिर मैं मेरा जीना मरना अंसार के साथ है पूरी दुनिया एक घाटी में चले और अंसार दूसरी घाटी में मैं अनसार के साथ चलूंगा तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल हम आप पे राजी हैं हमें आप चाहिए फिर उनका यार यारसोल्ला आप हमें माफ़ कर दें हमारा उज़र कबूल कर लें हमने आपके बारे में इस तरह का जुमला बोल दिया आप मैं अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारा उज़र कबूल करते हैं ये होते टू नाइन्टी फाइव सी लगवा देते ये कहते हैं कि जब एक दफ़ा गुस्ताखी हो जाए ना तो उसे कत्ल ज़रूर किया जाएगा उसकी तोबा वो कत्ल ही होगी इनके तहत तो वह सारे साहब अनसार मदीना कतल होने चाहिए थे जिन्होंने ये बात कर दी थी क्योंकि उज़र फिर वो अगला माना करेंगे नहीं हुज़ूर खुद तो माफ़ कर सकते थे हम नहीं माफ़ करेंगे बल्कि अगले दिन एक मौलवी का मैं सुन रहा वो तो कह रहा था हाँ अल्लाह के जूर माफी हो जाएगी लेकिन हम नहीं माफ करेंगे वाह वा, तो स्टेटस है गलों सुनो इन्हें दिया आगे वो औरत कहने लगी अब्दुल्ला अब ने मसूद को अब सारी बातें खत्म होगी उसने कहा कि हमने तो सुना आपकी बीवी भी ये तीनों काम करती है यानी को, को क्लिप चढ़ा होगा उनकी बीवी के बारे में उस जमाने में यहां पर भी लोग एक दूसरे के खिलाफ क्लिप चढ़ा देते हैं तो अब्दुल्ला मसूद ने कहा अंदर जाओ मेरी बीवी को देख लो वो अंदर गई शर्मिंदा होकर बाहर निकली उनका कि आपकी बीवी में ऐसी कोई चीज नहीं है ना वो टैटू बनवाती है ना ये और ना प्लकिंग तो आपने फरमाया कि सुन ले अगर वो ये काम करती होती फिर इबन मसूद की बीवी ना होती कि अल्लाह के नबी की नाफरमान हो और वो मेरी बीवी हो ऐ ये हो ही नहीं सकता ठीक है अच्छा इस हदीस में कितने लेसन इस हदीस पे एक घंटा गुफ्तु हो सकती है क्या कुछ नहीं मिल रहा है इस हदीस से के राम को जनरलाइज करके आयात को जनरलाइज करके गॉड ओरिएंटेड होते थे उसमें से वो रिजल्ट निकालते थे इसीलिए मैंने इसी से रिजल्ट निकाला था ना कि जोए इस्लाम ने तमाम मकदम फिक्र के लोगों ने सूरतुल बकरा की ये जो आयत है वलाका अपने हाथों से अपने आप को मत कत्ल करो हलाकत में मत डालो इसके तहत सिगरेट को उन्होंने हराम करार दिया है या मकरू तहरीमी करार दिया या हर, गुना करार दिया वो बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि सिगरेट पीना भी अपने आप को अपने हाथों से हलाक करना है स्लो पॉइजनिंग है हालांकि ये आयत थी माले अल्लाह की राम में इंफाक करने के बारे में अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह की राम में पैसा खर्च नहीं करता गोया वो अपने हाथों से अपने आप को हलाक कर रहा है अच्छा देखें पैसा नहीं खर्च कर रहा और इसकी अल्लाह ने इंटरप्रिटेशन क्या की है कि जो अल्लाह की राह में माल नहीं खर्च करता वो अपने हाथों से अपने आप को कतल कर रहा है कैसे कतल कर रहा है सही बात हुई है कतल इसलिए कर रहा है कि हमेशा की जिंदगी वो माल अल्लाह की राह में दे के वो ले सकता था आखिरत की जिंदगी वो नहीं कमा रहा गोया कि वह अपने को कतल कर रहा है और मैं अक्सर कहता हूं कि दुनिया में सबसे आसान जन्नत अमीर आदमी कमा सकता है पैसा खर्च करके यार गरीब को तो तज़ के लिए उड़ना पड़ेगा ना उसको तो एफर्ट पुट करनी पड़ेगी रोजे रखने की तो तब ने क्या कमाएगा अमीर आदमी ने बस एक नीयत करनी है अपने माल में से अल्लाह को दे देना है हज़रतमान गनी ने कितने काफ़र मार के जन्नत कमाई है बल्कि गजबे उहद में तो आपको पता है मैदान जंग से भी चले गए सुर आलमरान में अल्ला ने मुआव भी कर दिया हज़रतमान की तीनों दफ़ा जो जन्नत पकी हुई है ना तो नफलें पढ़ने पर ना मैदान जंग में कोई कारनामा दिखाने के ऊपर माल खर्च करने पे एक दफ़ा तिरमजी में डिटेल मौजूद है एक दफ़ा जो है वो मस्जिद नबी की तोसी के लिए ज़मीन खैरा कर दी अल्लाह की राम ने मुसलमानों के लिए कुआँ खुदवा दिया मीठे पानी का और गजब तबू के मौका पर काफ़ी ऊंट और साजो सामान जो है वो लदे हुए दिए और उधर ही हजू ने फरमाया था किस्मान जन्नती है आज के बाद जो मर्जी करे यानी आज के बाद जो मर्जी कर ले उसने इतनी बड़ी नकियाँ कर ली हैं कि वो नेकियां उसके गलतियों पे वो जितनी भी कर ले वो भारी रहेंगी तो तीनों दफा माल कमाने से तो माल माल में सिर्फ एक काम करने की जरूरत है वो ये है कि अल्लाह की राह में खर्च करने के बाद आप किसी को बताएं ना अगरचे ये माल खर्चना ऐसा है जिसमें अल्लाह ताला ने रियाकारी करने को भी किसी हद तक जायज करार दे दिया इन मानों में कि जो एलानिया खर्च करता है तो अल्लाह ने उसकी भी तारीफ कर दी है कुरान में जगह जगह है ना अल्लाह की राम है वो छुप के भी और एलानिया भी खर्च करते हैं बाकी चीज़ों में है ना कि अगर आप मैं एलानिया रोजा मैं आज रोजे से हूँ तो रोजा ज़ाया हो सकता है लेकिन माल के बारे में है कि बाजू का तरगीब दिलाने के लिए, के लिए कहता है यार मैंने भी अल्लाह की राम इतना दिया यार तू भी हिम्मत कर तो अल्लाह तला कहता है उसका माल भी मैं ज़ाया नहीं करूँगा एलानिया और छुपा के दोनों तरीके से अल्लाह की राह में खर्च करके इंसान बड़ी आसानी के साथ जन्नत कमा सकता है कोई बड़ी एफर्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं है अपनी मैं अक्सर ये अमीर लोगों के बारे में सोचता हूँ ये जिस तरह हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं बड़े बड़े उनके अरबों के एसेट्स निकलते हैं वो यार एक लाख रुपया वो रोज़ का भी खर्च करें ना पच्चीस से तीस साल एक अरब ख़त्म करने में चाहिए दुनिया का कौन इंसान होगा जो एक लाख रुपया रोज़ाना का खर्च करे अपने ऊपर अपनी फैमिली की भी सारी कैलकुलेशन कर ले बड़ी बहुत बड़ी रकम है लेकिन आप देखें उनके घरों से इतना माल निकलता है कि मशीनें गर्म होकर बंद हो जाती हैं नोट गिनने वाली हां नहीं हुई तीन तीन चार चार अरब रुपया रखा हुआ है, एक लाख दफा रोजाना बंदा एक लाख तक गिनती नहीं गिन सकता चौबीस घंटे में पच्चीस तीस साल तक आप गिनती गिनते हैं तो एक अरब बड़ी मुश्किल से पूरा होता है और यहां पाकिस्तान में चले हजारों नहीं सैकड़ों लोग हैं जिनकी अरबों में है उनसे पूछेंगे यार तुम अपनी जिंदगी चलो लगा लो कि ज्यादा देट दे दुनिया में जो जिया है ना बंदा अभी तक जो हमारे पास कैलकुलेशन है तो वो वन ट्वेंटी फाइव के करीब तक ही कोई पहुंच सके तो तुम चलो लगा लो तुम भी एक सौ पच्चीस साल जिंदा रहोगे वैसे तो वो जापान ही जी जानते रहे बंदे जापान में इस वक्त भी पचपन हजार लोग ऐसे हैं जो सौ साल से ऊपर हैं दुनिया में सौ साल से ऊपर इतने लोग कहीं नहीं होते उनका लिविंग स्टाइल सादा है सब कुछ तो तुम चलो चले गए एक में भी कैलकुलेशन कर लो कितने तुम्हें पैसे चाहिए बाकी खर्च कर दो अल्लाह की राम है बुखारी मुस्लिम दोनों में मेंदीस नबीसलाम ने फरमाया कि इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल फिर आपने वो तलावत की अल्लाह को मुत्तका सुरहत जर यानी कसरत माल की कसरत ने तुम्हें गाफिल किए रखा यहां तक कि तुम कब्रों का मुंह देख लिया जबकि तेरा माल तो वो है जो तू खा ले या पहनकर बोसीदा कर दे बाकी तो तेरे व्रसा का माल है या तेरा माल वो है जो अल्लाह की राम में खर्च करके आखिरत के लिए स्टोर कर ले बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है इंसान के तीन दोस्त हैं एक ही कब्र में साथ जाता है वो उसके अमाल हैं और दो बाहर रह जाते हैं उसका माल और उसके रिश्तेदार तो आप अल्लाह की राम में खर्च करके माल को हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हैं वमयत तखदशाना वली मंद और जो कोई शैतान को अपना पुष्पना मान ले अल्लाह को छोड़ कर फ़कद खरा खुसरान मुबीना तो ऐसा शख्स जो है वो नुकसान में और बहुत खुले नुकसान के अंदर मुबला हो गया अल्ला तजा मिन हम आमीन या ईद व युम नी हिम शैतान जो है वो गलत उम्मीदें दिलाता है गलत वादे करता है और गलत उम्मीदें दिलाता है वमा शैतान इल्ला रूरा और शैतान का तो वादा नहीं है मगर मकरो फरेब का उला वाह जहन्नम ये जो लोग शैतान की पैरवी करते हैं इनका ठिकाना है जहन्नम। वला या जदून आय और वहाँ पर कोई बचने की राह नहीं पाएंगे नार्ला तुआ है जो हक़ बात मैंने कही अल्लाह तारे दिलों में रासिक फ़रमाए अगर जिस बात में मेरे मुँह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताल हमारे दिलों से धो डाले हमें मुआ भी फरमा दे हमें किताबोसन्नत की तलीमत पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तोफ़ी किताब फ़रमाए सुबहदाबी आमीन